शाहरुख खान का बंगला है पट्टी पर। वाओ कितना प्यारा व्यू मिलता है सामने का गाइस। और यहाँ से करते 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 पहुंच गए हमको वहां जाना लास्ट में अटलांटिस होटल। तो गाइस हम लोगों को वहां से सफर तय करना और यहाँ तक जाना है। यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर मूवी बनी हुई है शाहरुख खान को हम लोग क्या समंदर के पीछे बना है। शाहरुख खान का बंगला है पट्टी पर। ये कैसा शाहरुख खान का है गाइस। अभी आज हम इसमें घूमने वाले हैं। ये है पम जुमेरा। अभी हम खड़े हैं एकदम पानी के बीच में। बीच ये सीन वो है तो फोटो में देखो। ये फोटो जो है इसे बस बीच में रास्ता है 1 2 3 4 पम जुमेरा। 30 दिरहम का टिकट है आने जाने का। इसमें मेट्रो कार्ड काम नहीं करता। थोड़ा टिकट महंगा लगा मेरे को ये अपने हिसाब से देख दो। चलिए अभी जाते हैं मोनो लेल में। आज लंका लग गई भाई पूरी। मोनो लेल है हाँ। मैंने क्या जुगाड़ है ये फिल्टर से लगे हुए पहिए से नहीं चलती है। अपनी भी तमन्ना थी बहुत दिनों से कि इस ट्रेन में घूमना है। मतलब आज घूम के अपनी तसल्ली पूरी हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैक्सिमम हम लोग 4 पर्सन है। 4 पर्सन यानी कि 4 आदमी को घूमने के लिए पूरे 10,000 रुपये चाहिए इंडिया के। उनके 3,000 रुपये लगे भाई पूरे। 120 दिरहम अगर कन्वर्ट करें इंडिया से तो 2500 रुपये बैठते हैं। वो अब तक ख़त्म हो चुके हैं। अब तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया वो अलग है। मतलब यह है कि अगर पम जुमेरा आना है घूमने के लिए तो अपनी जेब में इंडिया का मतलब कहना का 1000 दिरहम लेके निकले। पहला पैसे यहाँ पर रह के कमाओ और फिर घूमो। इंडिया और पाकिस्तानी भाई वाले क्या है थोड़ा मतलब घूमते नहीं क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ इतनी होती है कि बेचारे महीनों हो जाते हैं घूमने के लिए। ऐसे बंदे अपनी कंपनी में भी है कि घूमने नहीं जाते। लेकिन गाइस यार इतनी मेहनत करे दुबई के अंदर ड्यूटी 12 घंटे इतना ज़्यादा दिन रात कम से कम महीने का एक दिन तो घूमने का होना चाहिए ना मेरी तरह। अलग मैं तो घूमते रहता हूँ गाइस क्योंकि यूट्यूब पर अपना ब्लॉग है। बट आप भी घूमा करो यार कम से कम एक दिन अपने लिए निकालो। और ये इसके ऊपर ये ट्रम आएगा चलेगा फिर हमको धक्का मार के वहाँ पर ले जाएगा पक्के एकदम नीचे ऊपर पाम। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं ट्रेन के अंदर जिसको बोला जाता है मोनो मेट्रो। तो गाइस ये मेट्रो स्पेशल एक वीआईपी कैटेगरी में यहाँ पे चलाई जाती है। और गाइस ये सिर्फ यूएई के अंदर आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलती है पम जुमेरा में। और गाइस इसके अंदर जो सीन मिलता है वो एकदम वीआईपी कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो वीडियो में इसके अंदर आपको ज़्यादा भीड़ सवारी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि गाइस ये थोड़ा अलग एक मतलब बोला जाए वीआईपी मेट्रो उसको बोला जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर वीआईपी लोग अंदर की सैर करने आते हैं जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पूरी तरह से। और इसकी सीटें एकदम बहुत ही वीआईपी आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी आप इसका मज़ा लीजिए और मैं अभी आपको लेके जाता हूँ सीधा फ्रंट पर क्योंकि इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है। ये ऑटोमेटिकली मतलब कन्वर्ट चलती है। मजनू पागल प्रेमी आवारा चला जाओ यार मतलब बता में बहुत पागल आदमी लगा इसलिए। तो गाइस मैं आपको है ना एकदम पूरा सीन दिखा रहा हूँ अपने साथ जो अभी हम लोग आगे एकदम देख पा रहे पूरा सीन। जस्ट फ्रंट पे हम लोग बैठे हैं दोनों। और अभी यहाँ से स्टार्ट होगा जो पम जुमेरा का सीन है मैं आपको दिखाऊंगा 1 by 1 करके। तो हो सकता है कि मेरी इसमें वॉइस ना आए मैं म्यूजिक के साथ आपको ये सीन दिखाऊं। गाइस ये बिल्डिंग है तुम देख पा रहे हो इसके ऊपर चढ़ के है ना पूरा सीन देख लो। और इस
सामने देख पा रहे हो अटलांटिस होटल। ये तो मजा है इसका समुंदर का। सुन भाई, प्लीज माइंड द गैप बिटवीन द ट्रेन एंड द स्टेशन प्लेटफॉर्म। यूजुअली इतना खुद ना खा कर के बाहर निकल जाते हैं। इस माफ कर दिया नहीं ये क्या सब है आपकी कौन शख्सियत है कब लोग बाहर निकल गाइस अभी हम लोग आ गए ये लास्ट है यानी कि हम बिल्कुल समुंदर के बीचों बीच चलिए गाइस अभी हम लोग आ गए अपनी मंजिल पर और अभी सीधा बार की ओर चलते हैं फिर आपको बाहर से दिखाते हैं भीड़ आपको मिल जाती है। ये सामने आपका अटलांटिस होटल गाइस ये हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। ये सीन था इस मोनो ट्रेन का। गाइस आप मेरे उस साइड फ्रंट पे देख रहे हैं जो मेरा अटलांटिक होटल जहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर मूवी बनी है जिसमें शाहरुख खान ने अपना पूरा शॉट दिया हुआ है जिसमें गाना है इंडिया वाले थक दे इंडिया नहीं इंडिया वाले गाना है। तो गाइस वो इसी होटल में बना हुआ है पूरा वो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए है गरीब आदमियों के लिए फुटपाथ है ये फुटपाथ बना दिया अपने लिए। तो भाई दुबई में जब भी आना हो तो फिर पैसों के बिना तो लाइफ यहाँ अधूरी है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सोच रहे होंगे ये रोड है एक्चुअली में ये रोड नहीं है समुंदर के हम ऊपर हैं यानी कि इसके नीचे जो भी है वो टोटल समुंदर है समुंदर से काट के बनाया गया है रोड सब। हेलीकॉप्टर दिखाओ तो हेलीकॉप्टर दिखाओ उधर हमारे पीछे जा रहा है ये हमारे गरीब आदमी दुबई की टोपी ओढ़ते हैं उल्टी सीधी करके वो देखो मेरे लिए स्पेशल आ रहा है थारा भाई। यो थारा भाई आज हेलीकॉप्टर की सैर करने जा रहा है यो थारा भाई इधर उतार दे इधर उतार दे इधर इधर फरारी वगैरह तो यहाँ खैर आम बात है फरारी लंबोर्गिनी रॉयल रॉयल्स इनकी तो कोई साली वैल्यू नहीं है। ये पत्थर देख रहे हैं आप इतने भारी भारी हैवी हैवी पत्थर पड़े हुए हैं एक्चुअली में इसका एक रीजन है बताया गया है कि इसके नीचे एक बालू है और बालू को रोकने के लिए ही ये सब कुछ डाले हुए हैं इतने हैवी हैवी इसमें इतना बालू पड़ा हुआ है इतना बालू पड़ा हुआ है कि एक लंदन और एक पेरिस पूरा ढक सकता है। और तुम गाइस इस आइडिया से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बालू होगा इसके अंदर। और थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही है पटरी आलिम की तो सीन ही मिल जाता है। और इसको बैक पे ऐसा घुमाओ चल चल बस बस